किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें कि आपका खाता खाली हो जाए। तो मैं आपको दो चार ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने खाते को आसानी तरीके से सेफ रख सकते हैं। पहला टिप्स ये है दोस्तों, जैसे भी कोई मैसेज आता है उसमें टेक्स्ट लिखा रहता है, टेक्स्ट और एक लिंक दिया गया रहता है, तो सबसे पहले वो टेक्स्ट को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद निर्णय लें कि इस लिंक पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी 1% का भी डाउट लगता है तो उस लिंक पे क्लिक ना करें। हालांकि ऐसे बहुत सारे आज पार्ट टाइम ये कर लो वो कर लो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है कोई भी मैसेज आता है तो। और ईमेल पे भी बहुत सारे ऐसे आपको लिंक आते हैं, आप इससे सतर्क रहें और सावधान रहें। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, दो चार यहाँ पे टिप्स शेयर किया गया है कि यहाँ पे देखिए वी फेयर योर क्लिक एनी लिंक, तो आपको यहाँ पे कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे बताया गया बैंक नेवर सेंड लिंक्स टू अपडेट केवाईसी, तो यहाँ पे बैंक कभी भी लिंक शेयर नहीं करता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके केवाईसी कर लीजिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बैंक कभी भी नहीं भेजेगा आपको इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना केवाईसी कर लीजिए। तो यहाँ पे डोंट शेयर योर मोबाइल डाटा, जो है किसी को भी आप शेयर मत कीजिए, जो भी पर्सनल डाटा होता है वो किसी को शेयर नहीं करना है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी जाता है, यहाँ पे बताया गया है कि SBI की तरफ से cybercrime.gov.in पे आप इसका रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसका लिंक भी दिया गया है साइबर क्राइम का। तो इस पेज पे जब आएंगे यहाँ पे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑडियो मिलेंगे जैसे कि सतर्क रहे, सावधानी कैसे बरतनी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो भी यहाँ पे आप सुन सकते हैं। ये वीडियो है, ये खुद साइबर क्राइम के तहत ये जारी किया जाता है ताकि इस सब चीज़ों से बच जाए। तो ये मैं आपको ये मैसेज इसीलिए मैं आपको दिया हूँ ताकि ये ट्विटर हैंडल पे बताया गया SBI ट्विटर हैंडल पे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।